हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही खास टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के बारे में। पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अच्छा, जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि हम नॉर्मली अपने घर में टी कप और कॉफी कप का यूज करते हैं। तो ये पैटर्न आपको कभी भी भूलने में नहीं आएगा क्योंकि हमेशा वो कप आपके सामने आएगा और वो हमेशा याद रहेगा आपको। तो ये इस पैटर्न की दोस्तों खास बात है। इस पैटर्न की दोस्तों एक खास बात और भी है कि ये पैटर्न आपको टारगेट भी बताता है, ये पैटर्न आपको स्टॉप लॉस भी बताता है, ये पैटर्न आपको एंट्री तो बताएगा ही बताएगा ऑब्वियसली है। तो ये तीनों चीजें आपको बताता है भाई, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताता है। तो ये एक बेहतरीन पैटर्न है, साथ में ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाता। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न ऐसे हैं जो ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, ये ट्रेंड फॉलोइंग है भैया, जहां पर ट्रेंड चल रहा है वो उसी तरफ ही आपको एंट्री बताता है। तो ये एक खास बात है। साथ में ट्रेंड को हम क्लेरिफाई करने के लिए एक अलग से अपना तड़का जरूर लगा देंगे ताकि आपको और अच्छे से लग जाए पता कि भैया ट्रेंड किस साइड चल रहा है और जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं कहीं वो डाउन ट्रेंड में तो नहीं है या अप ट्रेंड में तो नहीं है, यानी जहां आप ट्रेड ले रहे हैं उसके अपोजिट तो नहीं है। तो दोस्तों आज सारी चीजें जानने की करेंगे कोशिश। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं भैया कैसे करता है ये पैटर्न का। तो चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर हम आगे हैं, आप देख लेते हैं कि ये जो कप और हैंडल पैटर्न है ये बनता किस तरीके से है। तो नॉर्मली जो दोस्तों हमारे घर में कप होता है बिल्कुल उस तरीके का पैटर्न ही दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक कप की बॉडी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, उसके बाद इसका एक हैंडल बनता है जिससे हम इसको होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो यही पैटर्न हमें देखना है। तो इसके अंदर खास बात यह है कि ये जो पैटर्न है ये बुलिश वाला है, यानी जब भी आपको दिखाई देगा पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो ऊपर जाने की रहेगी, नीचे जाने की नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर एक बेरिश वाला भी होता है। बेरिश वाला आज कवर नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो बहुत ही जल्द उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो आप दोस्तों चेक कर लेते हैं कि ये जो बाजार का रुझान है किस तरीके से आप उसको वॉच करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि मान लेते हैं कि बाजार ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा हो और बढ़ते हुए बाजार में कुछ इस तरीके का रुझान आपको दिखे, बाजार ऐसा कंसोलिडेट हो जाए और उसके बाद एक हैंडल वाली शेप, एक हैंडल का रुझान आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आपका जो ये पैटर्न है कंप्लीट होता है। आपको बाय कब करना है? बाय करना है दोस्तों जब ये इसका हाई, भाई ये जो आप देख रहे हैं ना जो पॉइंट्स है, ये ब्रेक होकर ऊपर चले जाए बाजार, तब आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों आप यहां लगा सकते हैं, ये स्टॉप लॉस का एक बेहतरीन पॉइंट है। और आप बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या होगा। टारगेट दोस्तों जितना इसका आप देख रहे हैं भाई, जितना भी ये कंसोलिडेशन था ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारा जो है आपका टारगेट है, इतना ही टारगेट आप रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात करोगे तो स्टॉप लॉस तो इतना सा ही है, लेकिन जो टारगेट है वो इतना बड़ा है। तो ये दोस्तों इस पैटर्न की खास बात है। अब इसको वॉच कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ पॉजिटिव जो दिखाऊंगा जो काम करे, एक आध एग्जांपल ऐसा भी दिखाऊंगा जो काम नहीं करा, और साथ में एक स्टॉक में आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये पैटर्न अभी बना हुआ है, मतलब लगभग बना हुआ है और कभी भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टाटा स्टील के चार्ट पे। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो बिल्कुल खूबसूरत सा पैटर्न यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल कप एंड हैंडल, और यहाँ पर देखिए ये कप बना हुआ है, राइट। तो बिल्कुल कप एंड हैंडल जो है पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न के अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल घुमावदार ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन कई बार जो बाजार है वो ऐसा नहीं बनता है, वो वी शेप में ऐसे नीचे गिरता है और ऊपर बढ़ता है। तो ये भी क्वालिफाई करता है, ये भी काम करेगा, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे घुमावदार मार्केट घूमकर ही ऊपर आए। तो वी शेप में भी अगर मार्केट आ रहा है तो वो भी क्वालिफाई करता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस पैटर्न में अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है, यहाँ कहीं आसपास हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ आपकी एंट्री बनती है, यहाँ कहीं एंट्री लेंगे आप, यहाँ आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, इस हैंडल के बॉटम के ऊपर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है आपका जितना ये गैप है उतना ही टारगेट बनता है। और इजीली आप देख पा रहे होंगे, इजीली ये जो गैप है यहाँ कहीं कवर हो जाना चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों जो है कंप्लीट इजी टू अंडरस्टैंड वाला पैटर्न है, आराम से काम करता हुआ दिखाई देता है, ट्रेंड को फॉलो भी करता है और मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया अगर पैटर्न अच्छा है सब कुछ अच्छा है तो फेल नहीं हो सकता, फेल बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ फेलियर भी दिखा दूंगा इसके आपको। एक हैंडल की इसके अंदर खास बात और है,
जो हैंडल है वो कितना बना होना चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं कि हैंडल बहुत बड़ा भी हो जाए, हैंडल दोस्तों 1/3 हिस्सा होना चाहिए। ये जो कप है इसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए, 1/3 हिस्सा, यानी आधे से भी कम। इस गैप जो बना है हैंडल का, इसके आधे से भी कम होना चाहिए तो वही आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप हैंडल को क्वालिफाई नहीं करेंगे, पूरे पैटर्न को ही नहीं करेंगे, पूरा पैटर्न ही खराब हो जाएगा। एक स्टॉक दोस्तों और है, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ये क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर आप देखें ये कुछ इस तरीके से बना है, कप बन गया, उसके बाद ये हैंडल बना, इसका छोटा सा हैंडल बना, और यहाँ से ये जो पैटर्न है इसका हाई ब्रेक होता है। और जैसे हमने बात करी थी कि जितनी इसकी बॉडी है उतना ही हमारे पास टारगेट होना चाहिए, उतना ही टारगेट हमें रखना है, तो बिल्कुल बॉडी के मुकाबले टारगेट आपको इजीली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप हैंडल का स्टॉप लॉस देखेंगे तो वो भी बहुत छोटा है, और एंट्री भी आपकी कहीं यहीं आसपास हो जानी चाहिए, और ये दोस्तों आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर एक खास बात और बता रहा हूँ, खास बात क्या है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया कितनी देर में टारगेट मिलेगा। हमें ये तो पता है टारगेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई 10 साल बाद टारगेट मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा, वहाँ तो टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पैटर्न जितनी देर में बन के कम्प्लीट हुआ है हैंडल से लेके कप तक, उतना ही टाइम लगना चाहिए, यानी उतना ही टाइम आप सोच सकते हैं कि मेरा टारगेट हिट होने में इतना टाइम लग जाएगा। तो अगर इस पैटर्न को देखेंगे लगभग लगभग 1 साल के आसपास ये पैटर्न बना है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंडर अंडर में मेरा टारगेट हिट होना चाहिए, हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप पहले भी एग्जिट हो सकते हैं, हो सकता है स्टॉक के अंदर मूवमेंट ना हो लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टाइम भी आपको बताता है कि भैया जितना टाइम मुझे बनने में लगा है उतना टाइम मुझे टारगेट अचीव करने में लग सकता है। एक स्टॉक और देख लेते हैं, और अब बात करने वाले हैं हम ऐसे स्टॉक की जहां पर ये फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पर दोस्तों टाटा मोटर्स का स्टॉक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पैटर्न फेल होता हुआ दिखाई देगा, और उसका एक रीज़न भी बताऊंगा क्यों फेल हुआ। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पर ये बना है, ये दोस्तों वी शेप में बना है, गोलाई में नहीं बना, और ये भी क्वालिफाई करता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक कप बन गया, बढ़िया कप, राइट, और ये इसका बन गया हैंडल, राइट, और हैंडल का ये हाई ब्रेक हो ही गया था, तो पॉसिबिलिटी थी बाजार ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया भी लेकिन वापस नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया, राइट को तो मूवमेंट जो है वो हो गई ख़राब। भाई स्टॉप लॉस हिट होना ही होना था, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि एंट्री आपकी यहाँ थी, यहाँ लॉस आपको देखने को मिला। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इसके फेलियर होने का फर्स्ट रीज़न क्या है, इसका दोस्तों फर्स्ट रीज़न ये है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कितना बढ़िया बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। और जैसे हमने बात करी कि अगर आप बुलिश साइड देखते हैं, देखिए यहाँ पर रिवर्सल हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि रिवर्सल नहीं होता, हम मान सकते थे कि कप एंड हैंडल पैटर्न आ गया यहाँ से रिवर्सल हो जाए, लेकिन हुआ तो नहीं ना। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो बहुत ज़बरदस्त था, बाजार लगातार लगातार नीचे ही आ रहा था। और अगर हम पीछे के दो स्टॉक्स की बात करें जहाँ पर हमें पैटर्न दिखा था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ पर ये पैटर्न दिखा वहाँ पर जो मार्केट है वो अप मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ में दोस्तों टाटा स्टील देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, जो मूवमेंट थी वो ऊपर की तरफ थी, और ये आपको बताता है कि जो पैटर्न है वो अप ट्रेंड में अगर आप देखते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके जो विन होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो ट्रेंड को ज़रूर कंसिडर कर लीजिए पैटर्न बनते हुए कि ट्रेंड पीछे का क्या चल रहा था। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो रिसेंटली कंडीशन में बना हुआ है कप एंड हैंडल के, और कभी भी वो अपना पैटर्न कंप्लीट करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक आता है वोल्टास का, 1 वीक का टाइम फ्रेम है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो मेन बॉडी है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, हैंडल बिल्कुल बन चुका है, कभी भी हाई ब्रेक हो सकता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रह गया, थोड़ा सा ही रह गया है, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो बाजार है वो इतना गैप का प्रॉफिट दे जाएगा आने वाले 2 ईयर्स में, क्योंकि जो पैटर्न है इसको बनने में लगभग 2 साल लगे हैं। और दोस्तों अगर गैप की बात करें तो जो गैप है ये लगभग 200 जो है रुपीज़ का गैप है, यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 ईयर्स में ये 200 रुपीज़ की मूवमेंट दे सकता है आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बेरिश वाला पैटर्न अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि वो भी एक बार क्लियर कर दिया जाए, तो बेरिश वाले के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। और मिलता हूँ दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।